कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं PNG ज्वेलर्स। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना का JN1 वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 640 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2,997 हो गई है, जबकि एक दिन पहले यह आंकड़ा 2,669 था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अकेले केरल राज्य में कोरोना के 2,606 एक्टिव मामले सामने आए हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है। यहां कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। केरल के अलावा राजस्थान के जयपुर में एक महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसका इलाज जारी है। वहीं कर्नाटक में कोरोना के 105, महाराष्ट्र में 53 और गुजरात में 32 मामले हैं। नोएडा में नेपाल से लौटा 54 वर्षीय एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। नोएडा के अलावा गुजरात में 8 साल का बच्चा पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 32 हो गई है। बता दें कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा 18 दिसंबर को सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें सभी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट कराने को कहा गया है। इसके अलावा केरल में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर वहां भी एडवाइजरी जारी की गई है। यहां 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों, किडनी, हृदय, लीवर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माओं को बाहर जाने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि अमेरिका में 8 दिसंबर को पहला JN1 का मरीज मिला था, जिसके बाद 8 दिसंबर को ही केरल में सबसे पहला JN1 वेरिएंट सामने आया था। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे, हालांकि अब वो महिला ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना का नया JN1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN1 के मामले सबसे ज्यादा हैं। भारत में नए वेरिएंट के 21 मामले हैं। वहीं WHO ने बताया कि मौजूदा वैक्सीन JN1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है, इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सरदर्द आदि जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।